हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। और क्या आपको पता है कि जब आप बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, डर्ट में जाते हैं, जब आपको बॉडी में स्ट्रेस होता है या किसी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आप गुजरते हो, या कहीं पॉल्यूशन में आप जाते हो, या आप हेक्टिक लाइफस्टाइल अगर आपकी है, या आप यूवी रेस के टच में आते हैं बार बार, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। यही हमारी स्किन को डैमेज करता है, हमारी इलास्टिन कोलेजन को डैमेज करता है, और जिससे हमारी स्किन की एजिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी स्किन की एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं एंड चेहरे में शाइनिंग एंड रेडियंस एंड ग्लो कैसे ला सकते हैं सोते सोते। तो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ विटामिन सी स्लीपिंग मास्क। स्लीपिंग मास्क, नॉट सोता हुआ मास्क, सोते समय यूज करने वाला मास्क। तो ये बहुत ही अच्छा विटामिन सी विथ पोमीग्रेनेट एलोवेरा एंड इसके अंदर ब्लैकबेरी है, जिसके जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट रिच है, जो आपको डेली नाइट में अप्लाई करना है। आपको अपने फेस को क्लीन करना है, बहुत अच्छे से क्लीन करिएगा, ताकि जो आपके ओपन पोर्स, आपके डार्क जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, ओपन पोर्स है, वहाँ पे जितनी भी डर्ट फंस जाती है ना, उसको क्लीन आउट हो जाए। देखो, हमारी स्किन को भी ब्रीथ करने का, हमारे स्किन को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्रीदिंग की जरूरत होती है। तो जब हम बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, कितने भी पॉल्यूशन में, आपको पता है इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, तो हमारी स्किन में ना फंस जाता, ऐसे चिपक जाती है। और आप जब सुबह बहुत एकदम तैयार होकर जाते हो, शाम को लौट के आते हो, तो एकदम से पूरे धूल मिट्टी का मास्क लगा के लेके आते हैं। तो गाइज, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फेस को क्लीन करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लीन करने के बाद, इसके बाद आपको ये मास्क अप्लाई करना है ओवरनाइट। जब आप क्लीनिंग करेंगे तो आपके फेस सारी गंदगी निकल जाएगी, आपके पोर्स जो वहाँ पे जो डर्ट है, जो पी एक्ने बैक्टीरिया कॉजिंग करते हैं, कई बार जब आप बाहर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डर्ट में जाते हैं तो आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, जो आपको एक्ने कॉज कर देते हैं। और आप कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, वो और ज़्यादा डर्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो गाइस, आप फेस वॉश करिए, उसके बाद जब आपके पूरा क्लीनिंग हो जाए, आपको ये मास्क लेना है एंड इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। आपको लेके थिन लेयर, पतली लेयर इसको लगा के, इस तरीके से लगा के रात भर के लिए छोड़ना है। ये रात भर अपना काम करती रहेगी। आप जब सुबह उठेंगे तो यू विल वेक अप विद अ ग्लोइंग एंड हाइड्रेटेड स्किन। तो अगर आपको ग्लोइंग और शाइनी वाली स्किन चाहिए, रिजुविनेटेड स्किन चाहिए, एकदम मस्त स्किन चाहिए, जिसमें साइन एजिंग के जो साइन होते हैं वो स्लो डाउन हो जाए, तो आप इस मास्क को ज़रूर लगाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा है मास्क, बिकॉज मेरे पास जब ये मैंने नया प्रोडक्ट देखा, कि पहली बार मैंने इस टाइप का कोई स्लीपिंग मास्क मेडिकेटेड देखा, मतलब नॉट इट्स नॉट अ केमिकल केमिकली मेड, बट इट्स अ मेडिकेटेड, बिकॉज में बहुत ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं और विटामिन सी है, और जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, रिजुविनेट भी करता है, और हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, ग्लोइंग देता है, ग्लो देता है। तो गाइस, इसको लगाइए और डेली, और मुझे नाइट में बताइए, सॉरी डेली नाइट में लगाइए और मुझे बताइए इंस्टाग्राम पे कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ये आपको मिलेगा, मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। और एक आपको एक मैं कूपन कोड भी दे रहा हूँ, विच इज़ पॉइजन 10, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसकी प्राइस तो ज़्यादा है, बट अभी मिल रहा है 399 में, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये अपने मास्क अपने स्किन को एक कहते ना, एक अपने स्किन को एक ट्रीट दे दीजिए इस मास्क के थ्रू। गाइज, इसको फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आफ्टर 20 एज, जैसे हम 20 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। हमें जो दिखता नहीं है, हमें लगता है हमारी स्किन बहुत अच्छी हेल्दी है, बट आफ्टर 20, जब हम 20 क्रॉस कर लेते हैं, हमारी स्किन में एजिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। वो तुरंत नहीं दिखती, बट 4-5 साल बाद वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। जो आज हमारी स्किन में डैमेज हो रहा है, वो 4-5 ईयर्स बाद दिखेगा हमको, और जो अभी हमारी स्किन में डैमेज है, वो 4-5 साल पहले का डैमेज है। तो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की और हेल्दी डाइट, हम डाइट मॉडिफाई करिए, अच्छी जूसेस पीजिए और अच्छे न्यूट्रिटिव मल्टीविटामिन ले लीजिए, अगर आप नहीं ज़्यादा कुछ अच्छा खा पा रहे हैं तो, ताकि आपकी स्किन को विटामिन मिले। वही हमारी स्किन को शाइनी और ग्लोइंग स्किन देता है। जब हमारी स्किन में हमारे पास रॉ मटेरियल होगा रिपेयर करने के लिए बॉडी को, तो वो अच्छे से सेल को रिपेयर कर पाएगी, टिश्यू को रिपेयर कर पाएगी। जितनी ज़्यादा रिपेयर होगा, उतनी ज़्यादा हमारी स्किन में हेल्दी स्किन और हमारी बॉडी भी, अंदर से अंदर के सेल भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो गाइस, वेट क्या करो, जल्दी से जाओ इसको और ये स्लीपिंग मास्क को परचेस कर लो, बहुत अच्छा है, यूज करके देखिए। और एक बार मतलब कहते ना, वेक अप विद द ग्लोइंग एंड हाइड्रेटेड स्किन।